हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। और मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है दोस्त, कि मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है दोस्त, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर आर्टिकल पर वीडियो बनाइए, क्योंकि 10 नंबर में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से अगर आर्टिकल हम नहीं लिख पाएंगे तो हमारे 10 नंबर तो यूँ ही चले जाएंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि किस तरह से आर्टिकल आपको लिखना है अगर आपको नहीं भी पता है। देखिए, आप अदर सब्जेक्ट को रट कर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं कर सकते हैं, इंग्लिश में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप बना बना करके आंसर को लिख सकते हैं। और बात करें जो आज का जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन अवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में खेल का क्या महत्व होता है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अब की बार के भी तीन सेट में पूछा गया था इसको, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम यानी खेल के महत्व को आपके बोर्ड एग्जाम में 3 सेट में अब की बार पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं कि इसका भी महत्व कितना ज़्यादा है। तो चलिए हम बताते हैं एक एक करके, जितने भी दोस्तों आर्टिकल हैं आपको हम वो लिखना सिखा देंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये 10 नंबर समझ लीजिए आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा आर्टिकल हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम कौन सा आर्टिकल तैयार करें। तो चलिए देख लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर आर्टिकल में हेडलाइन नहीं होती है, कौन कहता है दोस्त, कौन कहता है, आर्टिकल या ऐसे एक तरह के होते हैं, है एक ही चीज़। लेकिन अगर आप इसको हेडलाइन करके लिखेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरह से हमें लिखना है। अब देखिए सारे जो यहां से, अब ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं कि आप स्क्रीनशॉट करके भाग जाइए, मौका देंगे आप कर लीजिएगा, ओके। लेकिन पहले देख लेते हैं कि हम किस तरह से हमें लिखना है। तो यहां से सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन यानी क्या है, परिचय के लिए सबसे हमारा पहला काम है इंट्रोडक्शन है, ये हेडलाइन हमें डालना है। अब देखिए, आप किसी चीज़ का परिचय देते हो, अगर कोई पूछ लिया कि मेरे दोस्त आप खेल के बारे में बताइए, खेल के बारे में आप क्या जानते हैं, खेल एक्चुअल में होता क्या है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, तो यही बताएंगे ना कि खेल क्या है, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इससे क्या है, हमारी बॉडी क्या है स्वस्थ रहती है, ठीक है ना, हमारा जो माइंड है वो डेवलप होता है, यानी विकास, वृद्धि व विकास होता है हमारे शरीर का, ठीक, इससे क्या है? तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे बताओगे। तो देखिए लिखना क्या है, एकदम सिंपल शब्दों का प्रयोग किया है, कह रहा है कि इट इज़ फाइन सेइंग दैट, ये ठीक ही कहा गया है, इट इज़ फाइन सेइंग दैट, यह ठीक ही कहा गया है, क्या कहा गया है कि ए हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन ए हेल्दी बॉडी, कि एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ दिमाग, ठीक है ना, ड्वेल्स यानी क्या होता है, निवास करता है इन ए हेल्थी बॉडी, एक क्या है, हेल्दी यानी स्वस्थ शरीर में, ये ठीक ही कहा गया है दोस्तों कि एक स्वस्थ जो मन होता है, स्वस्थ दिमाग होता है, वो एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है, ये बात सही है। हम भी जानते हैं कि अगर आपका जो, आपकी जो माइंड है, ठीक है ना, अगर स्वस्थ मन कब होगा, जब बॉडी हेल्दी होगी, तो वही चीज़ कहा गया है दोस्तों कि ये सही, ये ठीक ही कहा गया है, यह सत्य ही कहा गया है कि क्या होता है कि एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। आगे कह रहा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क्स, कह रहा है कि जो गेम्स एंड स्पोर्ट, अगर हम बात करें हिंदी में क्रीड़ा और खेल बोलते हैं, ठीक, तो ये जो गेम्स एंड स्पोर्ट मेक अस हमें बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क्स, हमें काम करने के लिए ये हेल्दी और फिट यानी एक्टिव तंदुरुस्त बनाते हैं, कौन बनाता है, जो गेम होता है। आगे क्या लिखना है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ, यानी गेम्स और स्पोर्ट का यानी क्रीडा और खेल का, कह रहा आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ, यानी क्रीडा और खेल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट आर वेरी नेसेसरी माने बहुत ही आवश्यक हैं इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। और कह रहा है कि गेम्स एंड यहाँ पर नहीं लिखा भाई साहब, गेम्स एंड स्पोर्ट लिख दीजिए,
गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, यानी गेम और स्पोर्ट क्या बनाते हैं, मेक अस एक्टिव यानी हमें तंदुरुस्त बनाते हैं, फ्रेश तरोताज़ा बनाते हैं, एंड सोशल और सामाजिक हमारा डेवलप करते हैं, सामाजिक विकास करते हैं। ये जो गेम होते हैं दोस्तों, गेम और स्पोर्ट क्या हमें एक्टिव बनाते हैं यानी तंदुरुस्त बनाते हैं, हमें फ्रेश करते हैं, तरोताज़ा रखते हैं, और ये सोशल यानी सामाजिक रूप से हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बात समझ में, ये तो रहा इंट्रोडक्शन में दोस्तों, इस तरह से आपको लिखना है। फिर बात आती है कि टाइप्स ऑफ गेम, आपको दूसरी हेडिंग बनाना है टाइप्स ऑफ गेम। नहीं देखिएगा आप कहीं से भी, जो आपकी गाइड है, विद्या है, क्वेश्चन बैंक, कहां से नहीं देखना है मेरे दोस्त। अगर आपको सीखना है तो बस यही तैयार कर लीजिए। हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कठिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो भी वर्ड पावर होते हैं इतना ज्यादा मीनिंग कठिन होते हैं कि आप नहीं तैयार कर सकते हैं अगर आप कमजोर हैं इंग्लिश में। तो समझ गए, चलिए अब इसमें टाइप्स ऑफ गेम में क्या लिखना है, गेम के प्रकार यानी जो खेल होते हैं कितने प्रकार के, तो क्या लिखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम, कि दो प्रकार के खेल होते हैं। अब कौन कौन से खेल होते हैं, सच एज, जैसा कि इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। मतलब गेम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक इंडोर गेम्स यानी एक ऐसे गेम जो इंडोर यानी घर के अंदर खेला जाता है, एंड आउटडोर गेम्स, और क्या होता है, एक घर के बाहर खेला जाने वाला खेल। तो दो प्रकार के होते हैं। आगे कह रहा है कि इंडोर गेम्स मीन प्ले इन रूम्स एंड हॉल्स, कि इंडोर गेम्स का मतलब होता है यानी घर में जो इंडोर गेम्स क्या होते हैं, इंडोर गेम्स मीन कि इंडोर गेम का मतलब होता है प्ले इन रूम्स एंड हॉल, कि रूम और किसी हॉल यानी बड़े से क्या है कमरे में खेलना, ठीक ना। इंडोर गेम का मतलब होता है किसी बड़े रूम, मतलब किसी रूम में या बड़े कमरे में खेलना, ठीक। एग्जाम्पल, जैसा कि कार्ड, जो पत्तियां खेलते हैं, है ना, आप लोग मत खेलिएगा, ठीक, कार्ड, ठीक, इंटरटेनमेंट के लिए खेलना चाहते हैं खेल लीजिए, बाकी ऐसे नहीं कि जुआबाजी और उसके बाद ठीक है ना जुआड़ी बनिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। कह रहा है कि एग्जाम्पल में क्या है, कार्ड्स हैं, कैरम है, लूडो है, चेस है, ETC, ये सभी क्या है, इंडोर गेम्स यानी आप घर के अंदर इनको खेल सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका माइंड भी डेवलप होता है, ठीक, लेकिन आप शौक के लिए खेलिए, ऐसा नहीं कि बस प्रोफेशन के लिए शुरू कर दीजिए सट्टाबाजी, है ना। अगला कह रहा है कि आउटडोर गेम्स मीन, और आउटडोर गेम का मतलब होता है यानी बाहर खेले जाने वाले खेल का मतलब होता है प्ले इन ओपन प्लेस, यानी खुले स्थान में, प्ले एंड ओपन प्लेस एंड हम प्ले ग्राउंड कह सकते हैं, खेल के मैदान में जो खेले जाते हैं। एग्जाम्पल, क्रिकेट, हॉकी, उसके बाद टेनिस लिख सकते हैं आप, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, ETC, खो खो वगैरह सब यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला लिखना है कि नीड ऑफ गेम्स, यानी खेल की ज़रूरत हमें क्यों होती है, यानी इसकी आवश्यकता क्या है, नीड यानी ज़रूरत, आवश्यकता ऑफ गेम, खेल का जो मतलब खेल की आवश्यकता क्या है। अब देखिए, ये टॉपिक जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको तो ज़रूर इंक्लूड करना है हेडलाइन में। बात समझ में आई, इसमें क्या लिखना है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, कि जो गेम्स और स्पोर्ट हैं यानी क्रीडा और खेल हैं, आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इट प्रोवाइड्स द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, ये क्या है, हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स, ये प्रदान करता है यानी हमें देता है, द बेस्ट एक्सरसाइज यानी सबसे अच्छा व्यायाम टू द बॉडी यानी शरीर के लिए, ये शरीर के लिए क्या करता है, सबसे अच्छा व्यायाम प्रदान करता है। आगे कह रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी शारीरिक व्यायाम क्या है, बहुत ही आवश्यक है, ठीक, फॉर फॉर डाइजेशन, इधर देख सकते हैं डाइजेशन लिखा है, तो यानी शारीरिक जो व्यायाम होता है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है फॉर द डाइजेशन यानी पाचन क्रिया के लिए। हम जानते हैं भाई, अगर हम क्या करेंगे, फिजिकली रूप से एक्सरसाइज करते हैं ना, वर्कआउट करेंगे, जिम करेंगे, बॉडी बनाएंगे, तो क्या है, हमारी पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। तो वही कह रहा है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो हमारे पाचन क्रिया के लिए भी बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे रहा है कि इट नॉट ओनली फ्रेश द माइंड, यह न केवल हमारे दिमाग को
फ्रेश करता है, कौन, खेल। कह रहा है कि यह न केवल हमारे दिमाग को फ्रेश करता है बट आल्सो इम्प्रूव डाइजेशन, बल्कि हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। समझ में आया दोस्तों, क्या कह रहा है कि इट नॉट ओनली फ्रेश, यह न केवल क्या करता है, फ्रेश करता है, तरोताजा करता है द माइंड यानी दिमाग को, यह न केवल दिमाग को ताजा करता है बट आल्सो बल्कि इम्प्रूव डाइजेशन, बल्कि क्या है, पाचन क्रिया को भी इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। आगे कह रहा है कि इट आल्सो टीच स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। देखिए इट आल्सो टीच, ये क्या है, ये सिखाता भी है, बहुत कुछ पढ़ाता भी है, किसे, स्टूडेंट यानी क्या है, विद्यार्थियों को। इट आल्सो टीचेस द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन यानी क्या है, ये बच्चों में अनुशासन को भी क्या है, अनुशासन को भी बताता है यानी पढ़ाता है। भाई खेल से कैसे हम अनुशासित रह सकते हैं, एक दूसरे से कैसे भाईचारे के साथ रह सकते हैं, ये सभी अनुशासन की का ज्ञान भी हमें कौन देते हैं, गेम। बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ से आपको लिखना है कंक्लूजन, यानी मतलब उपसंहार में। देखिए वहाँ से आएगा 100 से 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो आई थिंक ये उससे भी ज़्यादा है, लेकिन क्या है, हमारी बातें तो पूरी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बस इधर उधर एक एक लाइन में छाप दीजिए, नहीं, वो 100-150 होता है, लेकिन 200-250 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कम नहीं होने चाहिए, 100-150 से। ठीक, आगे करें कंक्लूजन में, इस तरह से कैसे लिखेंगे, देखिए मेन आपका इंट्रोडक्शन होता है और मेन कंक्लूजन होता है, ये दोनों आपके बहुत ही सुंदर होने चाहिए, बहुत ही अच्छे निकल। अब इसमें संपूर्ण यानी पूरा निष्कर्ष निकला होगा कि गेम का एक्चुअल में हम क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं गेम में, ये सारी चीज। तो कह रहा है कि स्पोर्ट गिव्स अस ए गुड एक्सरसाइज, यानी स्पोर्ट यानी खेल हमें क्या करता है, देखो गिव्स देता है, अस ए गुड एक्सरसाइज, हमें बहुत ही अच्छा व्यायाम देता है, विच मेक्स अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो हमें शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत बनाता है। क्या कह रहा है कि जो खेल होता है, हमें खेल क्या होता है कि हमें एक अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा व्यायाम देता है, जो विच माने जो मेक्स अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो हमें शारीरिक रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड इंक्रीजेस आवर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, और क्या करता है, इंक्रीजेस आवर स्टेमिना, और हमारे सहनशीलता को, हमारी सहन मतलब क्षमता को, सहनशीलता को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, एंड स्ट्रेंथ हमारी ताकत को भी बढ़ाता है। कहते ना कि भाई आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, ठीक, वर्कआउट करोगे, इससे आपका स्टेमिना मजबूत होता है। स्टेमिना का मतलब आपकी सहन शक्ति, ऐसा नहीं कि चार परख चलिए उसके बाद हाँफने लगे इतनी बड़ी जीभ निकाल कर, तो ये सब कब होता है, जब आप बैठ करके बस ऐसे ठूंस रहे हैं खाना इधर उधर, दुनिया भर का ऑयली फूड खा रहे हैं, और खा खा कर पेट ऐसा हो गया कि शर्ट के नीचे से पेट झांक रहा है, तो ऐसे लोगों को हमेशा लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप हमेशा एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिव रहेंगे, फिट रहेंगे, देन दोस्तों क्या होगा, इससे आप फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे, एंड कह रहा है कि एंड इंक्रीजेस आवर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, हमारे स्टेमिना को यानी सहनशीलता को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ हमें शक्ति, स्ट्रेंथ, पावर क्या करता है, हमें प्रदान करता है ना, ये है कि नहीं है, थोड़ा बहुत ना, ये क्या करता है, मसल्स वगैरह को डेवलप करता है, इंक्रीज करता है। बात समझ में। अगला देखिए क्या कह रहा है, फिर आगे लिखना है कि रेगुलर स्पोर्ट मेक अस एक्टिव, यानी नियमित व्यायाम, नियमित या स्पोर्ट क्या, हाँ, नियमित जो खेल होते हैं, स्पोर्ट है, मेक अस एक्टिव, हमें क्या करता है, तंदुरुस्त, एक्टिव का मतलब फुर्तीला बनाता है। ठीक, जो क्या है, रेगुलर खेल होता है वो हमें एक्टिव बनाता है, एंड लीड टू गुड हेल्थ, और हमें एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है। ठीक, अगर आप रेगुलर क्या कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, आपको एक्टिव यानी तंदुरुस्त, एकदम फुर्तीला बनाएगा, और ये क्या करेगा, लीड टू गुड हेल्थ, और आपको क्या है, एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं कि गेम्स कैन बी डेंजरस, खेल क्या खतरनाक भी हो सकते हैं, कि गेम्स कैन बी डेंजरस, खेल खतरनाक भी हो सकते हैं, सो इसलिए वी शुड वियर प्रॉपरली
हाँ सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग गेम्स, कह रहा है कि जो खेल हैं वो हमारे लिए हानिकारक मतलब खतरनाक भी हो सकते हैं, हानिकारक नहीं खतरनाक भी, खतरनाक क्यों कि भाई हमें चोट लग सकती है, हमारी शरीर की कोई मांसपेशियाँ खिंच सकती हैं, है ना, पता चले बॉडी बनाने के चक्कर में हड्डी ही खिसक जाए, तो ऐसा क्या होता है, तो हमें क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए। तो वही कह रहा है कि खेल क्या है, खतरनाक भी हो सकते हैं, सो इसलिए वी शुड वियर प्रॉपरली, हमें अच्छी तरह से पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, सेफ्टी किट, यानी सेफ्टी किट को पहनना चाहिए बिफोर प्लेइंग गेम्स, यानी खेल खेलने से पहले। इस देखिए हमारे लिए क्या है, ये खतरनाक भी हो सकते हैं, इसलिए गेम को प्ले करने से पहले हमें अच्छी तरह से सेफ्टी किट को पहनना चाहिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गेम इन आवर लाइफ, इस टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकते हैं या निबंध लिख सकते हैं। ये हाई स्कूल में भी पूछा जाता है और बाकी ट्वेल्थ में तो भाई साहब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके, बहुत उल्टा निकल रहा है मुझ, खैर छोड़िए, तो सब्सक्राइब करके हमारे इस YouTube फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।